22 को नॉलेज पार्क, दिनांक 9/7/22 को थाना नॉलेज पार्क के कोंडली क्षेत्र में एक मनी ट्रांसफर की दुकान से दिन दहाड़े 3 व्यक्तियों द्वारा लूट की गई थी, जिसमें दुकान मालिक के साथ मारपीट की गई थी और हथियार के बल पे उससे लगभग 35,000 के आसपास का कैश लूटा गया था। उसमें वांछित चल रहे दो लुटेरे जिनका नाम बलराम और शाहरुख, जिनके ऊपर पूर्व में 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया जा चुका है। आज पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ग्रेटर नोएडा के अन्य किसी क्षेत्र में जा कर के ये लोग सराफा या ऐसी किसी दुकान में लूट का प्रयास कर सकते हैं। इसको लेकर के जब सूचना प्राप्त हुई तो हमारी नॉलेज पार्क की टीम द्वारा घेराबंदी की गई। घेराबंदी करने के उपरांत जब एक संदिग्ध बाइक नजर आई जिसमें दो व्यक्ति नजर आए, उनको रोकने का प्रयास किया गया। उनके द्वारा पुलिस टीम के ऊपर फायरिंग की गई। आत्मरक्षार्थ हेतु हमारे नॉलेज पार्क की टीम और अन्य चेकिंग में लगाई हुई टीम द्वारा, जिनके द्वारा घेराबंदी की जाए थी, उनके द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें दो बदमाशों को गोली लगी है जिनका नाम बलराम और शाहरुख है। बलराम मूल रूप से दिल्ली का रहने वाला है और शाहरुख रबुपुरा के रहने वाले हैं। इनके अन्य एक और साथी है जो पहले से ही मुकदमे में वांछित चल रहे हैं, वो फरार है। जो अन्य साथी है उनके लिए धरपकड़ तेज की गई है। साथ ही साथ जो इसमें रिकवरी का सामान है, जिनके पास से अवैध असले, कुछ कैश और मोटरसाइकिल एक बरामद हुई है, जिसके बारे में तस्दीक की जा रही है। जो एक और साथी फरार है उसके लिए भी पुलिस टीम द्वारा दबिश दी जा रही है। चप्पल उठा लीजिए।